सब्जी को तो ये पसंद है जो सेब हो। सेब नहीं है लिए जो है ना छांव में इंतजाम कर रही है छपरे का ना कोई धक शक लग जाएगा। क्या दे भाई आपको धो के मैंने रख दिया और चूल्हा भी बाहर सेट कर लिए और बर्तन भी पकाने के लिए कढ़ाई माशाल्लाह खुशबू चंग यानी पे देर से बेर से देरा को थी गया था खुशबू बहुत अच्छी आंदी साथ कोक की बोतल हो जाती है। अल्लाह अब बच्चे की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहें आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें जी। तो इस नेक दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे बहन भाई तो उनका दिल से शुक्रिया और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा वॉच किया करें अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। और जब मेरे बहन भाइयों ने जो चैनल का विजिट किया उनसे उनके लिए मेरी बहुत बहुत दुआएं और बहुत सारा सलाम। तो माशाल्लाह से यहाँ पे खजूरें जो है ना ये देखें पकना शुरू हो गई हैं कलर चेंज कर लिया है खजूरों ने। अब जो है ना बेसब्री से इंतज़ार है हमें तो माशाल्लाह से जैसे ही पकेंगी ना तो फ़ौरन से दिल चाहता है जब नई चीज़ होती है दिल चाहता है फ़ौरन से हम खाएँ। तो इसलिए तो आम भी पक रहे हैं खजूरें भी पक रही हैं धूप इतनी तेज़ है ना वो तो सबको पता है और इतनी तेज़ ऐसे लगता है जैसे शीशे चमक रहे होते हैं। गर्मी बहुत है जैसे खजूरें और आम पक रहे हैं ना वैसे बंदे भी पक रहे हैं इंसान भी उनके साथ साथ पक रहे हैं। और इसलिए हम लोगों ने ना आज छांव का इंतज़ाम किया है यहाँ पे अबू लेके आए हैं ये टाट ये जो है ना ये बोरियाँ थी सीमेंट की ये सुबह लेके आए थे कहीं से तो वो जो है ना हम लोगों ने फिर इसको खोला फिर धोया धो के मैंने इनको सिलाइयाँ लगा दी और अबू जी अब यहाँ पर बना रहे हैं छांव। तो मैं तो कहती हूँ ये छांव तो बना रहे लेकिन इसमें से ना धूप आएगी क्योंकि धूप बहुत तेज है। अब ये तो धूप तो आसी वाला होना नहीं दी ये तो धूप तो आप आसी आखर है तो है शापर आखर जेल मेरा खड़सी गर्मी तो बहु है अंदरों को तो बाहर सही है था और क्या करूं ये तो परेशानी है बहु नहीं तो है इतना गर्मी है इतना धूप गर्मी है क्या करूं मुश्किल थी जी साको खोलना पोसी तो जरा वाले खट्टा से तेज सी ये तो वाला जरूरी है वाला खड़ा रहे तो वाला छाते लग सी वाला आखर को खुलना तो है खुले मुश्किल है बस गुजारा करे सो और क्या करो तो बस हमारी दो चार पहियां आ जाएंगी तो पंखा आती जाती रहेगी लाइट लेकिन अंदर से बेहतर है बाहर यहाँ पे छांव बना लेते हैं और यहीं पे बैठ जाएंगे बच्चे भी थोड़ा सुकून से बैठेंगे और हम भी क्योंकि जो ये धूप है ना बस अल्लाह माफ कर इतनी तेज धूप है ना बहुत ज्यादा पसीने पसीने इंसान अब मेरा पसीना जरा मेरी आंखों में जा रहा है। अच्छा ये देखे अब्बू को देख रहे होंगे ये रस्सियां बांध रहा हूँ ये छांव के लिए रस्सियां हर तरफ से बांध घर में जब बिजली जाती है ना अंदर बैठा नहीं आता बहुत गर्मी होती है बहुत गर्मी है और हम लोग ना यहाँ से बांधेंगे और फिर यहाँ से जो है ना ये आपको देख दिख रहा होगा ये हुक वगैरह जो लगे हुए इधर से बांध के ना फिर हम लोग जो है ना इस रस्सियों से बांध के ईंटों से वो भी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ से छोड़ देंगे इधर से शाम तक गुजारा करेंगे जब शाम होगी फिर ईंटे खोल के फिर रख देंगे। आयत जो है ना उड़ गई है हफ्सा को मैंने बोला इसको झूले झूलाए और अम्मी जी को मैंने बोला थोड़ी सी हवा लगवा लें इनको पसीना आता है तो मैं फिर घबरा जाती मैं कहती हूँ कि ये जो है ना थोड़ी सी हवा लगवा लें और पानी पी लें बस नसीब दिखा रहे तो यहाँ पे जो है ना ये कालीन मैंने बिछा दिए क्योंकि चारपाई मैंने बाहर निकाल के रख दिए कालीन इसलिए बिछाते सुबह सुबह ना मैं पोछा लगा देती हूँ जब मैं पोछा लगाती हूँ फिर जब पंखा चलता है ना हवा ठंडी लगती है फिर हम लोग यहाँ पे तक रख के लेटे रहते हैं सारा दिन थोड़ी हवा सही लगती है। चारपाइयाँ जब होती है तो फिर मुश्किल होती है क्योंकि फर्श जो है ना थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो इसलिए यहाँ पे जो है ना हफ्सा के बाबा गए थे मंडी में तो ये आम ले आए ये आम कौन सा है ये आपको दिख रहा होगा ये है आम अचार वाला क्योंकि अम्मी जी कब से कह रही थी कि लसूड़ा पड़ा हुआ है तो आम भी लेते आना इसलिए फिर जो ना वो आम लेते आए ये हम लोगों ने समझा इतना पैकिंग वैकिंग कर के आए कि बड़े आम होंगे लेकिन ये अचार वाले आम है मैं भी वही सोच रही थी कि ये पैक हुई भी है क्योंकि वो लोग इसलिए लेके आए पैक करके ताकि ये फैल ना जाए कोई कपड़ा वपड़ा तो था नहीं फिर वो करेट में लेके और ये ऊपर अखबार डाल दिया और ये रस्सी बांध के ले आए क्योंकि काम पे जब गए थे ना तो इसलिए ये जो ना करेट में रख के आए। तो बस अभी लाइट चली गई है तो आयत जो है ना उठ गई इसको अभी दूध भी देती हूँ और अबू जी के साथ ना हेल्प भी करती हूँ। अबू जी बेचारे जो है ना यहाँ पे सीढ़ी लगा दी और बच्चे को बुला लिया सीढ़ी लगा ली और जो है ना बांधना शुरू कर रहे हैं। अबू को मैंने बिठा दिया पंखा लगा के वो देखे माशाल्लाह से सुकून कर रहे हैं और इधर चाची लोग भी अपने लिए जो है ना छांव में इंतजाम कर रहे हैं छपरे का क्योंकि इनका प्लास्टिक बहुत मजबूत है कपड़ा भी लगा हुआ है साथ में प्लास्टिक भी है ताकि ये ख़राब ना हो। हम लोग तो खैर खोल लेंगे लेकिन ये लोग नहीं खोलेंगे इनकी छांव माशाल्लाह से ज़्यादा है चार पहियाँ जो है ना चार डाल सकते हैं ये लोग जो है ना शाम को भी ना
यहाँ से नहीं हटाएंगे। और ये लकड़ी जो है ना, आयत ने हाथ लगाया है तो ये लकड़ी गिर गई है, और इसने ना कमीज अपनी उतार दी गर्मी की वजह से। कह रही है मुझे जो है ना ये गर्मी दाने निकालने, कह रही तेल लगाए अम्मी मुझे तेल लगाए, इसने कमीज उतारी हुई है। और बच्चे ना सारे ऊपर चढ़े हुए, फैजान भी ऊपर चढ़ा हुआ है, और यहाँ से बांध रहे हैं ऊपर से खींच के, ताकि कुछ नीचे हैं तो कुछ जो है ना ऊपर चढ़ गए। इस कमरे में से बांधेंगे और इस कमरे से, ये इनका माशाल्लाह से सही है। हमें थोड़ी मुश्किल है क्योंकि हमारे जो टाट में से ना थोड़ी सी धूप भी आ रही है, इसलिए बच्चों के काम चेक करें धूप में जाना। ये लोग केनो और ये बाल्टियां भर के ना सर के ऊपर रखते हैं, और थोड़ा थोड़ा सा पानी गिरता है इनके सर में तो ये सुकून करते हैं। और यहाँ पर जो है ना कब से ये लोग नहा रहे हैं, ये देखें वहाँ से पानी भर के लाते हैं, और जो है ना फिर ये खेल रहे हैं, खेल भी है और ये नहा भी रहे हैं। अंदर बैठने से बेहतर है, गर्मी में ये लोग इंजॉय कर रहे हैं अपना अपना। ये बचपना तो बचपना ही होता है इंसान का। और वहाँ पे दादा जान ने जो मिर्चें रखी थी ना, वो देखें अच्छी खासी सूख गई हैं, अच्छी खासी। ये देखें कितनी धूप है, ये देखें कितनी तेज़ धूप है। और उस दिन जब लाए थे ना तो किस तरह थी, तो अब जो है ना ये दादा जान उनको डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि बस करो गर्मी में मत जाओ, क्योंकि गर्मी में ना कोई धक शक लग जाएगा। क्या दे पाए अब्बा धूपते, हाँ धूप तो है, सही कह रहे हैं धूप तो है, ये सही कह रहे हैं। चलो बैठ जाओ, जाओ बहुत हो गया, बहुत नहा लिया धूप में, जाओ। अम्मी अबू यहाँ पे बना रहे हैं सब्जी माशाल्लाह से, अल्लाह इनकी ज़िंदगी रखे। उनको पता है मैं व्लॉग बना रही हूँ, मैंने पंखा लगा दिया, चारपाई डाल दी, तो उन्होंने सब्जी शुरू कर दी है कि ताकि ये आएगी तो सब्जी बनी हुई होगी, जल्दी जल्दी से बना लूँगी माशाल्लाह से। मेरे को तो बहुत सब्जी को लो तो ये पसंद है, जो सेब हो सेब नहीं अम्मी, जापानी फल। हाँ ये तो ही मैं, हाँ जापानी फल की तरह चमकदार है, जापानी फल की तरह माशाल्लाह से। हाँ अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो आप सब्जी बनाए तो फिर मैं सब्जी में आपको बताती हूँ कि कौन सी सब्जी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और आज जो है ना मैं इधर ही बैठ के अबू लोगों के साथ बैठ के बनाऊंगी बाहर छाँव के नीचे। ये देखें ये हमारा छपरा, मैं आपको बता रही थी ना, क्योंकि इसमें से थोड़ी थोड़ी धूप महसूस हो रही है। वो चाची लोगों का ना माशाल्लाह से वो मजबूत है, हमारा इतना मजबूत नहीं है। खैर कोई बात नहीं, बना लेंगे, आज शुरुआत हो गई है, फिर हम भी ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पे खाने का इंतज़ाम करते हैं, तो फिर जो जो भी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बारीक बारीक शिमला मिर्च अबू ने काटी है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी लग रही है खाने से, पहले देखने में अच्छी लग रही है। अम्मी जी यहाँ पे बना रही लहसुन, और ये बंद गोभी मटर और गाजर है, तो मैं जल्दी से चावल धो लेती हूँ। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अबू ने आज क्या बनाना है, क्योंकि अबू ने बनाने हैं जो भी बनाने हैं, लेकिन बाद में बताएंगे। आज अबू जी अपने हाथ से हमें खिला रहे हैं। बच्चे तंग कर रहे थे, तीन दिन से अम्मी के घर में थे, नानी के घर में, जब आए हैं तो कह रहे हैं अबू जी अपने हाथ से हमें खिलाए। अबू जी ना दावा दे रहे हैं हमें, वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, जब तक मैं चावल धो लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारी सब्जियों को धो के मैंने रख दिया, और चूल्हा भी बाहर सेट कर लिए, और बर्तन भी पकाने के लिए कढ़ाई रख दी है, और यहाँ पे मसाले रख दिए। अबू जी को मैंने दे दिया सलाद, मैंने कहा आप सलाद बनाएं, अच्छा नहीं लगता मैं बना लेती हूँ, आप जो है ना यहाँ पे सलाद बना लें। हफ्सा के साथ प्याज और जो है ना ये क्या कहते हैं वो खीरे काट रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से मैं बना लेती हूँ। आप जो है ना हफ्सा की ज़िद तो करती रहती है, हफ्सा हर बात पर ज़िद करती है, हफ्सा को छोड़ें, हफ्सा आपकी लाड लिया है, इसलिए इसका ये मतलब नहीं कि अब आप बैठ के बनाएं। मैं जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ इधर, और अम्मी जी वहाँ पे आयत को बैठी हुई थी, आयत जो है ना उठ के चली गई है। खाने पकेने मैं तो भूखल हूं मर दिया, मेरे तो बासी में कछ देर शाह नाल मैं को तो देव सो राख सी नो पके सी ओ आदे ओ पके सी तो तो देर थी वैसे ना ना बस 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 आधा आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा सबर करो। ए बस अभी बिस्मिल्लाह पढ़ती हूं, जल्दी जल्दी से बना के देती हूं, बिस्मिल्लाह पढ़ती हूं और बैठती हूं। ये कुर्सी मैं ले लेती हूं आयत की, इस पे बैठ के ना बना लेती हूं जल्दी से। सब्जियों को आपने देखा होगा तो आपने बोला होगा कि भाजी अक्सर वो बनाती रहती है मैक्रोनी, आज मैं मैक्रोनी नहीं बना रही, आज मैं बना रही हूँ चाइनीज। तो आपने वीडियो के साथ जुड़ा रहना है, और कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है अगर मेरी कोई गलती है तो आपने वो भी बताना कि सिस्टर इस तरह से नहीं बनते, इस तरह से बनते। तो मैं जो बना रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह मैं बना रही हूँ। जो ना हमारे प्याज और लहसुन जो ना ब्राउन हो गया था तो मैंने डाल दिया मुर्गी, अब इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। और माशाल्लाह से आज मैंने खाना बाहर बनाया, और यहाँ पर टाट लगाया तो थोड़ी बहुत में हवा चलनी शुरू हो गई, पत्ते हिल रहे हैं माशाल्लाह से, शुक्र है अल्लाह पाक का, क्योंकि इतनी गर्मी में लोग मर रहे हैं। तो लाइट भी अभी आ गई है माशाल्लाह, अभी अबू भी यहाँ पे बैठ के सलाद बना रहे हैं और हवा भी लगवा रहे हैं। तो मैं जो ना यहाँ पे बना रही हूँ राइस, आपने भी तो साथ जुड़े गए
इसके बाद जो है ना है गाजर, क्योंकि सारी सब्जियां अबू अम्मी ने काटी है तो गाजर भी थोड़ी सी मोटी है, कोई बात नहीं ये थोड़ी पक जाएगी इसलिए सारी सब्जियां बाकी डाल दिया। यहाँ पे शिमला मिर्च और मटर, मैं तो ये कहती हूँ कि पहले वाले जो थे ना जैसे सर्दियों में मटर आती थी, अब जो है ना माशाल्लाह से पूरा साल मटर, सारी सब्जियां पूरा साल चलती रहती है, तुरैया भी मटर भी सब चीज़ें। और मैं बस आलू जो फ्रेंच फ्राइज वाले काटे हैं ना ये मैं डालूंगी बाद, पहले सब सब्जियां डालूंगी। माशाल्लाह से सब्जियां को ना मैंने पानी लगा दिया था और पानी जो है ना अब माशाल्लाह से जोश आ गया, तो अभी मैं डाल देती हूँ चावल। बिस्मिल्लाह। और मेरे पास जो है ना सोया सॉस और ये चीज़ें नहीं थी तो वो मैं जो है ना ऐड नहीं की, ये सादा सी रेसिपी है हमारी। और अभी जो है ना दम का इंतज़ार करते हैं कि जब दम आएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कैसे बने हमारे चाइनीज चावल। हफ्सा आज बहुत खुश है, खुश हो ना? मम्मी एक और चीज़, अगर इसके साथ कोक की बोतल हो जाती है। अल्लाह, बच्चे किसी तरह से राजी नहीं है, 100 चीज़ रख दो कोई ना कोई चीज़ की कमी हो जाती है। अम्मी ने बना लिया यहाँ पे रायता हरी मिर्चों वाला, पुदीना हरी मिर्चें, और यहाँ पे खीरे, और हफ्सा ने अपने लिए काली मिर्चों वाला रायता खुद बनाया है माशाल्लाह से। थोड़ा सा अभी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। और ये है प्याज, ये मैंने धो के रख दिए हैं। अभी सबसे पहले अम्मी अबू को देती हूँ, उसके बाद फिर बच्चों को दूंगी, जब तक अम्मी रायता डालती जाएंगी और मैं जो है ना चावल दे दूँगी। माशाल्लाह खुशबू है चंगी आंदी पे, देर तो देर कोई किया था, खुशबू बहुत अच्छी आंदी पे। और मैंने अंडा इसलिए नहीं डाला क्योंकि एक तो गर्मी बहुत है, ऊपर से ये ब्लड के मरीज हैं, इसलिए मैंने कहा कि अंडे मत डालूं क्योंकि अब चावल बना ली, इनको चावल ही खिलाती हूँ मैं तो। बिस्मिल्लाह पढ़े अबू जी माशाल्लाह से। और ये चटनी इसलिए मैं दे देती हूँ प्लेट में अबू को। बिस्मिल्लाह, आप चटनी दें और मैं जल्दी से चावल डाल दे। अबू लोगों को मैंने चटनी दे दी, हफ्सा की चटनी भूल गई थी। और अभी सलाद भी अबू और साइम को दे देती हूँ। अबू एक गिनो। और अम्मी की सलाद ये रही, अम्मी चटनी नहीं खा रही, पता नहीं खुद बनाई है और इनको पसंद नहीं आई, पता नहीं क्या मसला है, कह रही कि मैं ऐसे खाऊंगी सलाद के साथ चटनी नहीं। कोई ना ब्लड दिया तो थी, हम तो अवल खट्टी चटनी है, मतलब तबीयत खराब थी वाली वास्ते मेरी थी, मैं नहीं खाऊंगी जी। तो अभी पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह और खाते हैं। आज की हमारी रेसिपी सादी सी आपको पसंद ही होगी चाइनीज चावलों की। अगर कोई कमी पेशी है तो आपने भी जरूर बताना है आप किस तरह से बनाते हैं चाइनीज चावल। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड और पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद ही होगी। कल मिलेंगे कल अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।